पेपर लीक्स के साथ साथ आंसर शीट विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर भिजवाई गई। पेपर शीट पेपर के साथ आंसर शीट कभी नहीं जाती। एग्जाम हो जाने के बाद एग्जामर को दी जाती है, पहले नहीं जाती, परीक्षा केंद्र पर नहीं जाती और वो बोर्ड से भेजी जाती है एग्जाम होने के बाद एग्जामिनर के पास। बिना बोर्ड की मिली भगत के आंसर शीट कैसे गंगापुर में पहुंच गई? तो पेपर लीक हुआ, मंत्री जी बार बार कह रहे पेपर कैसे लीक हुआ, पेपर ही लीक नहीं हुआ, आंसर शीट पहुंच गई जैसे अखबार में छपा। फिर एक कागज इसमें है मेरे पास, हिंडोन सिटी के एक सेंटर पर परीक्षाओं क्यों है ओएमआर की शीट खुली होने की शिकायत करी, जो मीडिया पर भी चला, सोशल मीडिया पर भी चला, जिसकी शिकायत परीक्षा केंद्र के अधीक्षक को की गई। उसने रिसीप्ट दी है और रिसीप्ट देने के बाद वो रिसीप्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को भेजी गई है। छात्रों की शिकायत पेपर सील खुली होने की, पेपर की सील खुली होने की लिखित में शिकायत है जो वेरीफाई है वहाँ के परीक्षक अधीक्षक के द्वारा। तीसरी बात, रीड से दो दिन पहले कंटेनर पलटा, अब ये कंटेनर पलटा, ड्राइवर की मौत हुई, ड्राइवर को मारा, क्या हुआ इसकी कोई जानकारी जनता के सामने नहीं दी गई। केवल अकेला ही ड्राइवर था, कंटेनर कितने बजे पलटा, ड्राइवर कितने बजे मारा, सांड आया कि नहीं आया और फिर उसकी मौत की सूचना किसने दी और फिर मरने के बाद जब वहाँ का सीओ पहुँचा जमा रामगढ़ का, उससे पूछा गया तो उसने कहा इसमें कोई सरकारी सामान है। और फिर वहाँ पर रिंगस की पुलिस का पहुँचना, चलो कोई बात नहीं, रिंगस की पुलिस की कोई व्यवस्था होगी। तो ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, हिंडोन का मामला, गंगापुर का मामला, कंटेनर का पलटना और कंटेनर के साथ कोई एस्कॉर्ट नहीं होना, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं होना, ये सारा पेपर लीक करने की ओर और षड्यंत्र की तरफ, साजिश की तरफ मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दूसरा, पेपर लीक कहाँ से हुआ? पेपर लीक हुआ विद आंसर शीट गंगापुर से। आप सबको पता है गंगापुर में 8:30 बजे पेपर लीक हुआ, गंगापुर में 2 को गिरफ्तार किया गया, अब 4 कर लिए और गंगापुर में सवाई माधोपुर में ही सर्वाधिक 20 अधिकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया गया। 4 साजिशकर्ता और परीक्षा में आंसर शीट वाले गिरफ्तार है। तो गंगापुर से लीक हुआ पहला, एक सोर्स। दूसरा, गंगापुर से जब ये हुआ तो एसओजी ने बत्तीलाल मीणा की लिप्तता मानी। इतने खुलासे के बाद भी बत्तीलाल कहाँ है, खुद एसओजी कह रही है। और एसओजी ने एक बात और कही थी जो एसओजी के बयान में इसमें लगा हुआ है कि डीएस साइंस गंगापुर, आपकी जानकारी होगा डीएस साइंस गंगापुर में जहाँ सेंटर था ये इसमें लिप्त है। तो वो बयान है मैं आपको दे दूंगा, इसमें लगे हुए डीएस साइंस को आज तक एसओजी ने जांच नहीं की, आज तक नहीं उससे पूछा। ये पहला बयान है एसओजी का जो मैं आपको दूंगा पत्रकार वार्ता में। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक तो अजमेर से लीक पेपर जाता है गंगापुर, जयपुर से जाता है गंगापुर, अजमेर से जयपुर, जयपुर से जाता है लक्ष्मणगढ़ जहाँ माननीय डोटासरा जी का विधानसभा क्षेत्र, वो कैसे जाता है? ये अपना जो बत्ती लाल है इसको जब तक नहीं पकड़ेंगे
जब तक कांग्रेस का एक बड़ा पदाधिकारी जिसका मैं नाम आज उजागर करना नहीं उचित समझता भाग जाएगा या कोई और पुलिस तो वैसे दिक्कत पैदा करेगी, उसके निकट के संबंध है माननीय डोटासरा जी से, और अगर ये बत्तीलाल गिरफ्तार होता है तो वो उसका नाम बताएगा, उसका नाम बताएगा तो लक्ष्मणगढ़ में जाके निशाना बैठेगा पेपर लीक का। तो सीताराम गिरफ्तार होगा जब ये बात करेगी, लेकिन डीएस साइंस एकेडमी जिसका संचालक श्रीमान उमेश शर्मा है वो बोर्ड की रीत परीक्षा करने वाली गोपनीय शाखा के प्रमुख जीके माथुर का खास है। जीके माथुर की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, सब यहीं से गया, पूरा राजस्थान में तो पेपर गया और उसकी मिली भगत के कारण पेपर लीक हुआ जीके माथुर और ये डीएस साइंस के उमेश शर्मा के द्वारा, और आंसर शीट भी वहीं चाहिए। इसका मतलब पूरा जो बोर्ड का सिस्टम है, जो बोर्ड है वो इनसे मिला हुआ था, डीएस साइंस से, दूसरे सेंटर से। अभी डीएस साइंस का मैं करेक्ट बताना चाहता हूँ, थोड़ा आपको 5-10 मिनट ज़्यादा दूंगा। इसने गंगापुर के शारौली में ज्ञानदीप स्कूल खोल, उस ज्ञानदीप स्कूल को ट्रांसफर करवा लिया गंगापुर में, उसकी मान्यता नहीं थी उस स्कूल की, उसकी शिकायत हुई, शिकायत सेक्रेटरी एजुकेशन ने कराई वेंकटेश्वर ने, और पाया गया कि इसकी मान्यता नहीं है तो सेक्रेटरी एजुकेशन आदेश देता है कि इसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। और इस जो ये मैं जो संस्थान बता रहा हूँ इसकी स्कूल शारौली में भी चल रही है और गंगापुर में भी चल रही है। अब ये जब वेंकटेश्वर हटता है तो 23/9/2019 को इसमें कागज है मैं पूरे दूंगा, सीएमओ से दबाव जाता है एमएलए रामकेश मीणा के कहने से कि इसकी जो मान्यता सेक्रेटरी ने खत्म की है इस इंस्टीट्यूट की इसको बहाल करो। सीएमओ की दखल से डायरेक्टर नथमल डंडेल उसको बहाल कर देता है, सेक्रेटरी एजुकेशन के आदेश को ओवर रूल कर देता है, दोनों के आदेश इसमें है मैं आपको बोलूं। तो ये फर्जी है, सरकार का निर्णय है कि ये मान्यता प्राप्त नहीं है, फर्जी है, फिर भी सरकार ने उसको सेंटर बना दिया और फर्जी बकायदा चल रहा है। इसी सरकार के कहने पर